सिकंदर, आज हम आपको बाइनेंस पर आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और बाइनेंस सर्च करना है, और यहाँ से आपको बाइनेंस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बाइनेंस डाउनलोड होकर आ गया है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमएसटी कॉम्बैट में जो अभी केवाईसी के लिए खुले हैं उसमें सबसे बेस्ट है बाइनेंस। आप यहाँ पर अपने जो भी करेंसी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम न्यू टू क्रिप्टो, आई एम ए क्रिप्टो प्रो। तो यहाँ पर मैं लिखना है आपको आई एम न्यू टू क्रिप्टो। ठीक है, इसमें आपको दबाना है एक्सेप्ट ऑल पे कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑल पे दबाओगे तो यहाँ पर आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर होगा या मेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर दबाना है। ठीक है, अब हमने अकाउंट यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर फिल कर लिया है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर दबाना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक कोड गया है, उस कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अब हमने यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ओटीपी डालोगे तो आपके सामने लिखा जाएगा क्रिएटिव पासवर्ड। अब यहाँ आपको अपना जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। पासवर्ड फिल कर दिया है, अब आपको नेक्स्ट पर दबाना है। ठीक है, नेक्स्ट पर दबाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ वेलकम अवार्ड, डू यू हैव इन्वाइटर, तो यहाँ पर लिख दें आप किसी ने इन्वाइट किया है कि नहीं, तो आपको नो देख देना है। नो करके आपके सामने आ जाएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी बाइनेंस ऐप है वो ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। अब इसमें बोल रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट आइडेंटिटी इशू और लाइव इन चेक। ठीक है, ये लाइवनेस चेक करेंगे, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर दबाना है। जैसे आप कंटिन्यू पर दबाओगे तो यहाँ पर इंडिया है, इसको यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है, चूज करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने के बाद तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है आपकी जो भी वेरिफिकेशन करना है वो आप आधार कार्ड से ओटीपी के द्वारा कर सकते हो, अदर डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड ओटीपी वाला कर लेता हूँ और इस पर कंटिन्यू कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो आपने जैसे यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल किया, ठीक है, उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर दबाना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर दबाना जो है। भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर था उस पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू पर दबा देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, फिल कर लिया है, अब यहाँ पर करने कंटिन्यू पर दबा दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने को यहाँ पर लिखा आ गया है एंटर योर पैन नंबर। अब आपको जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, पैन कार्ड नंबर हमने यहाँ पर फिल कर लिया है, अब यहाँ पर चेक बॉक्स दबाकर आपको कंटिन्यू पर दबाना है। ठीक है, उसके बाद भी आपको थोड़ा यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि इसमें लोडिंग में थोड़ा टाइम लग जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है अंडर रिव्यू। अब इसका मतलब है आपका जो भी डाटा है उसको वो रिव्यू करेंगे बाइनेंस वाले। ठीक है, बाइनेंस रिव्यू करने के बाद एक दिन का उसमें उन्होंने लगभग एस्टिमेटेड टाइम बताया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अप, आपने साइन अप कर लिया है, वेरिफिकेशन इसका हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है योर वेरिफिकेशन इज अंडर रिव्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर चेक डिटेल पर जाकर आइडेंटिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन है उसको यहाँ पर चेक कर लेना है कि उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया है और अकाउंट बनाया है तो इन यहाँ पर लिखा गया है इन रिव्यू, आपका जो भी अकाउंट है वो अभी रिव्यू में है। ठीक है, रिव्यू में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैट डिपॉजिट विदड्रॉ लिमिट आपकी अनलिमिटेड है, क्रिप्टो डिपॉजिट लिमिट यहाँ पर अनलिमिटेड है। ठीक है, तो आपके लिए जो भी एम्बेसडर अकाउंट है उसके लिए बेस्ट एक्सचेंज ऐप है जहाँ पर आप अपने जो भी कॉइन है उनको एक्सचेंज कर सकते हो। आपको इस प्रकार के मैं इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।